हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईके मूवीज। आज हम बात करने जा रहे हैं भूल भुलैया 2 मूवी के बारे में। आई नीड योर सपोर्ट गाइस, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है 5.9। मूवी स्टार्ट होती है एक महल को दिखाते हुए जहाँ पर एक यज्ञ हो रहा होता है जो की एक भूतनी को भगाने के लिए हो रहा होता है। फिर वो तांत्रिक उस भूतनी को उड़ाकर उस कमरे के अंदर बंद कर देता है और वहाँ पर त्रिशूल लगा देता है दरवाजे के बाहर, जिससे कि वो भूतनी बाहर ना आ सके। फिर मूवी आती है प्रेजेंट में, जहाँ पर हम देखते हैं कार्तिक आर्यन को, जिसका इस मूवी में नाम होता है रुहान। और थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कियारा आडवाणी को, जिसका इस मूवी में नाम होता है रीत ठाकुर। रुहान अपने सिक्स सेंस की मदद से रीत को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा होता है। रुहान उसके फेसबुक अकाउंट से काफी सारी जानकारी निकाल लेता है और वो कहता है कि उसे सिक्स सेंस है और उसके पास काफी नॉलेज है इस बारे में। पर फिर रीत को पता चल जाता है कि उसने मेरा फेसबुक अकाउंट पढ़ लिया है, इसीलिए उसे सब कुछ पता चल गया है। फिर थोड़ी देर के बाद रीत की बहन त्रिशा का कॉल आता है और वो कहती है कि तुम्हारी शादी तय हो गई है, जल्दी से आ जाओ यहाँ पर। फिर रुहान रीत को अपने साथ ले जाता है घुमाने के लिए। जब वे लोग रात को घूमकर वहाँ से आ रहे होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जो 2:30 बजे वाली बस थी वो खाई में गिर गई और कोई भी लोग नहीं बचा उसमें। ये बात सुनकर रीत को काफी दुख होता है क्योंकि पहले वो उसी बस में आने वाली थी पर वे लोग बच जाते हैं। जब रीत अपनी बहन त्रिशा से बात कर रही होती है तो उसे पता चलता है कि उसकी बहन सागर से प्यार करती है, जिससे रीत की शादी होने वाली है। जब ये सब पता चलता है तो उसे लगता है कि उसे उन दोनों के बीच में नहीं आना चाहिए। और फिर रीत ये सारी बातें फिर रुहान को भी बता देती है। रीत रुहान को मना लेती है उसकी हवेली पर चलने के लिए और रुहान भी उसकी हवेली की ओर चलने लग जाता है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि रीत और रुहान उसकी हवेली पर पहुंच जाते हैं। जब रीत वहां पर छोटी होती थी तो वो वहां पर रहा करती थी और वो हवेली भी काफी डरावनी होती है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं राजपाल यादव को, जो कि एक पंडित होता है और उसे पता चलता है कि जिसमें मंजुलिका रहती है वो हवेली खुल गई है फिर से। फिर वो पंडित वहाँ पर जाकर ठाकुर को बता देता है कि किसी ने उस महल को खोल दिया है फिर से और वो महल भी विजेंद्र ठाकुर का होता है, जो कि रीत का फादर होता है। फिर विजेंद्र ठाकुर अपने महल की ओर बढ़ने लग जाता है जहाँ पर वो पहले रहता था और उसके साथ कुछ गांव वाले भी होते हैं। रीत और रुहान फिर वहाँ पर छुप रहे होते हैं उन्हें आता देखकर। फिर वे लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर फिर वे लोग रुहान को देखते हैं, जहाँ पर विजेंद्र रुहान से पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आए हो। तो रुहान बताता है कि उसे रीत लेकर आई है जो कि मर चुकी होती है, क्योंकि विजेंद्र और उसके परिवार को पता होता है कि रीत मर चुकी है उस बस एक्सीडेंट में। फिर रुहान वहाँ पर झूठी खबर फैला देता है और वो कहता है कि रीत का भूत उसे यहाँ पर लेकर आया है। और रुहान कहता है कि रीत की आखिरी इच्छा थी कि उसका सारा परिवार इस महल के अंदर रहे। फिर वे लोग वहाँ पर साफ सफाई करने के बाद वहाँ पर रहने लग जाते हैं, जहाँ पर उसका चाचा जी मंजुलिका के कमरे के बाहर आ जाता है और वो डरकर फिर वहाँ से भाग जाता है। रीत अपने चौथे का खाना खा रही होती है काफी मजे। फिर रुहान रीत की एक और इच्छा बताता है और वो कहता है कि त्रिशा और सागर की शादी हो जानी चाहिए आपस में, पर विजेंद्र को इस बात से इनकार होता है। पर थोड़ी देर के बाद विजेंद्र भी मान जाता है इस शादी के लिए। थोड़ी देर के बाद त्रिशा और सागर रुहान से मिलने के लिए आते हैं और रुहान कहता है कि उसे सब पता है तुम्हारे बारे में। रुहान फिर गलती से मंजुलिका के कमरे के बाहर चले जाता है, जहां पर अंजुलिका आके यानी तब्बू आके, जो कि उसकी भाभी होती है, वो उसे बताती है कि यहां पर मत आना भूलकर भी। उस पंडित और मुखिया को लग रहा होता है कि रुहान एक बाबा है और वो भूत प्रेतों से बात कर लेता है। इसी चक्कर में वे लोग अपने घर ले जाते हैं उसे। वो मुखिया कहता है कि मेरी माँ मर गई है, पर उसने ये नहीं बताया कि उसने सोना कहाँ पे रखा है। फिर वे लोग रुहान को अकेला कमरे में छोड़कर चले जाते हैं वहाँ से, जहाँ पर छोटा पंडित और पंडिताइन कुछ हरकत करते हैं और वो नकली बंदर लगा देते हैं, जिसकी आवाज से रुहान डरने लग जाता है। थोड़ी देर के बाद वो बंदर फेंक देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर कुछ अजीब सा होता है और एक
झूमर नीचे आकर गिरता है जिसकी वजह से वहाँ पर खड्डा हो जाता है और सारा सोना बाहर आ जाता है। ये सब देखकर वो छोटा पंडित भी रूहान के साथ हो जाता है। फिर वो छोटा पंडित रूहान का नाम रूह बाबा रख देता है और फिर ऐसे ही रूह बाबा सब लोगों की मदद करने लग जाता है इन कामों में। और थोड़ी देर के बाद पंडित और पंडितायन का काम बंद होने लग जाता है। फिर रूहान उस छोटे पंडित को गदा थमा देता है और वो कहता है कि ये तुम्हारी बीवी है। फिर उस छोटे बच्चे को रीत दिखाई दे जाती है और वो घर में सबको बता देता है कि रीत जिंदा है। फिर रूहान उस छोटे बच्चे को काफी अच्छी तरीके से समझा देता है। रूहान और चाचा जी ज्यादा दारू पी लेते हैं और वो मुंजलिका के रूम के बाहर आकर उस त्रिशूल को निकाल देते हैं। त्रिशूल को निकालने के बाद वहाँ पर सब कुछ अजीब सा होने लग जाता है और वो फिर से त्रिशूल को लगा देते हैं वहाँ पर। थोड़ी देर के बाद विजेंद्र और अंजुलिका वहाँ पर आ जाते हैं। फिर अंजुलिका उन्हें बताती है मुंजलिका की कहानी, क्योंकि वो एक जादू टोना करने वाली होती है और उसी की बहन भी होती है। फिर अंजुलिका बताती है कि वो अपने फादर के साथ आई थी यहाँ पर रहने के लिए और उसकी बहन मंजुलिका भी आई थी यहाँ पर। अंजुलिका तो पढ़ने में काफी होशियार होती है पर मंजुलिका का ध्यान ज्यादा जादू टोने में होता है। फिर ठाकुर की नज़र अंजुलिका पर पड़ती है और वो उसे पसंद कर लेता है। फिर विजेंद्र अपने बेटे के लिए उसकी लड़की का हाथ मांग लेता है। मंजुलिका को लग रहा होता है कि ठाकुर उसके लिए आया है पर वो अंजुलिका के लिए आया होता है शादी करने के लिए। फिर मंजुलिका उसका कपड़ा और बाल निकाल लेती है जादू टोना करने के लिए। जब उन दोनों की शादी हो जाती है तो मंजुलिका निकल जाती है उसके साथ जादू टोना करने के लिए और उसका फादर भी उसके पीछे पीछे आ रहा होता है। जब वो अपनी बहन पर जादू टोना कर रही होती है तो उसका फादर भी वहाँ पर आ जाता है और वो उसे रोकता है, पर मंजुलिका अपने बाप को मार देती है वहाँ पर चाकू से। फिर वो अपनी बहन अंजुलिका को भी मारने जाती है। जब उसका पति उसे बचा रहा होता है तो फिर अंजुलिका अपनी बहन मंजुलिका को मार देती है वहाँ पर। अंजुलिका को काफी दुख होता है क्योंकि उसने अपनी बहन मंजुलिका को मार दिया होता है। और थोड़ी देर के बाद मंजुलिका उसके पति को नीचे गिरा देती है और वो अपाहिज हो जाता है। जितने लोग भी पहले मरे होते हैं उसका इल्जाम भी मंजुलिका पर होता है। फिर उस छोटे पंडित को भी पता चल जाता है कि रीत जिंदा है और फिर वो बड़े पंडित और पंडितायन को लेकर महल पर आ जाता है और कहता है कि रीत जिंदा है और वो उसको ढूंढने लग जाता है पूरे महल में। फिर रूहान रीत को मंजुलिका के रूम में बंद कर देता है। फिर हम देखते हैं रीत के पीछे मंजुलिका होती है जो काफी डरावनी लग रही होती है। काफी ढूंढने के बाद उन लोगों को रीत नहीं मिलती है उस महल में। जब रूहान मंजुलिका के रूम में जाकर देखता है तो उसे लगता है कि रीत भी मंजुलिका बन चुकी है पर वो उसके साथ प्रैंक कर रही होती है। फिर रूहान रीत को लेकर वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन सागर और त्रिशा की शादी की तैयारियां हो रही होती है। तभी वहाँ पर अंजुलिका आकर बताती है कि रीत थोड़ा सा गुस्सा है क्योंकि वो सामानों को तोड़ रही होती है वहाँ पर। रूहान समझाता है ऐसा मत करो, फिर वो रुक जाती है। उन सब लोगों को लग रहा होता है कि मंजुलिका बाहर आ गई है और रूहान बताता है कि वो मंजुलिका नहीं रीत है। ये सब एक्चुअली बड़ा पंडित कर रहा होता है रीत को बाहर निकालने के लिए क्योंकि रीत उसी महल में है और रूहान ने उसे छुपा रखा होता है और ये सब नाटक पंडितायन कर रही होती है। फिर वहाँ पर हम देखते हैं असली मंजुलिका को भी, पर अंजुलिका को भी पता चल जाता है कि रीत जिंदा है और वो उससे मिलने के लिए रूहान के कमरे में आ जाती है और थोड़ी देर के बाद रीत भी बाहर आ जाती है और उसको सारी सच्चाई बता देती है। अंजुलिका बताती है कि तुम्हारी गलती की वजह से मंजुलिका बाहर आ गई है और उसने मुझ पर हमला भी किया। फिर वे लोग नेक्स्ट मॉर्निंग तांत्रिक से मिलने के लिए चले जाते हैं क्योंकि वो ही उसे कंट्रोल कर सकता है। वो तांत्रिक कहता है तुम्हें चंद्र ग्रहण तक रुकना होगा। वो मोटे बच्चे को कोई उड़ा रहा होता है और उन्हें लग रहा है कि रीत उड़ा रही होती है, पर अंजुलिका और रूहान को पता होता है कि वो रीत नहीं है, मंजुलिका है जो उस बच्चे को उड़ा रही है हवा में। फिर रूहान ये बात चाचा जी को बता देता है कि वो मंजुलिका है जो उस बच्चे को उड़ा रही है हवा में। रूहान के सपनों में भी मंजुलिका आने लग जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि चाचा जी गायब है। जब वो मिलते हैं तो हमें पता चलता है कि मंजुलिका के रूम में है और वो कहते हैं कि कैदी जब यहाँ से चला जाता है तो वो दोबारा वहीं पर नहीं आता है। फिर वो तांत्रिक अपने काफी सारे तांत्रिकों के साथ आ रहा होता है मंजुलिका को पकड़ने के लिए, पर मंजुलिका वहीं पर आ जाती है और उस तांत्रिक के अंदर घुस जाती है और वो बाकी सारे तांत्रिकों को मार देती है और वो तांत्रिक फिर वहाँ से भाग जाता है। फिर कुछ लोग रूह बाबा को अपने साथ ले जा रहे होते हैं अपनी समस्या सुलझाने के लिए। जब रूह बाबा उनकी समस्या सुलझा रहा होता है तो उसे पता चलता है वहाँ पर कुछ, और वो जब जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि ये लोग तो
दोस्त मोंजिले का भी झूठी खबर फैला रहे होते हैं, क्योंकि वो वहाँ पर देखता है कि छोटा पंडित, पंडित और पंडिताइन वहाँ पर मोंजिले का बने हुए हैं। ये सब फिर रूहान देख लेता है और उन्हें मारने लग जाता है। छोटे पंडित और बड़े पंडित को वो मार कर भगा देता है और थोड़ी देर के बाद वो पंडिताइन को भी भगा देता है वहाँ से। जब पंडिताइन वहाँ से भाग कर काफी आगे चले जाती है तो उसे आगे जाकर मोंजिलिका मिलती है और थोड़ी देर के बाद मोंजिलिका छोटा पंडित और बड़े पंडित के पास भी आ जाती है, जहाँ पर फिर वो उन दोनों को भी मारती है। थोड़ी देर के बाद पंडित और छोटा पंडित वहाँ से भाग जाते हैं और वो फिर रूहान के पास फिर से आ जाते हैं, जहाँ पर रूहान फिर मोंजिलिका के पास आ जाता है। उसे लगता है कि वो पंडिताइन है, पर वो जब उसके चेहरे से वो बालों को हटाता है तो उसे पता चलता है कि वो तो मोंजिलिका है। फिर रूहान वहाँ से भागने लग जाता है और मोंजिलिका भी उसके पीछे पीछे आ रही होती है। और थोड़ी देर के बाद हमें पता चलता है कि रूहान वहाँ से गिर गया है। फिर छोटा पंडित और पंडित और पंडिताइन उन्हें बताने के लिए आए होते हैं कि वो ये गांव छोड़कर जा रहे हैं। और थोड़ी देर के बाद वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। थोड़ी देर के बाद हम रूहान को देखते हैं जो कि वही गाना गा रहा होता है जो इस मूवी का थीम सॉन्ग है। जब वो वहाँ से जाने लगता है तो थोड़ी ऊपर जाकर रुक जाता है और वो कहता है कि वो अंजलिका को मार देगा। जब वो उनको बताता है कि वही मंजिलिका है तो वे लोग वहाँ से भागने लगते हैं, पर वो सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देता है कि कोई भी वहाँ से भाग ना पाए। जब वो एक चाचा को थप्पड़ मारता है तो चाचा को पता चल जाता है कि रीत भी वहीं पर है। तो चाचा को लग रहा होता है रीत एक भूत है तो वो उनकी मदद करेगी इस मामले में, पर रीत बताती है कि वो तो जिंदा है। फिर मंजिलिका कहती है कि हमें उस तांत्रिक को बुलाना चाहिए, वही इसे कंट्रोल कर सकती है। फिर मंजिलिका कहती है इतना काम तो मैं तेरे लिए कर ही सकती हूँ, और फिर वो तांत्रिक को बुलाती है जो कि मरा हुआ होता है। फिर वो उस तांत्रिक को उड़ा कर उसके पास फेंक देती है, जिसकी वजह से अंजलिका थोड़ी चोटिल हो जाती है। मंजिलिका उसे मारने के लिए आगे बढ़ रही होती है तभी वहाँ पर रीत आ जाती है उसे बचाने के लिए। जब मंजिलिका अंजलिका को मारने के लिए आगे बढ़ रही होती है तो रीत उसके आगे आ जाती है उसे बचाने के लिए। फिर अंजलिका रीत की गर्दन पर चाकू रखकर बोलती है कि अंजलिका तो वहीं पर रुक जा। ये बात सुनकर सब चौंक जाते हैं। फिर रूहान कहता है क्या बोला तुमने अंजलिका। जब उस पहाड़ पे से रूहान गिर रहा होता है तो अंजलिका उसे बचा लेती है। अंजलिका उसे कहती है कि तू रीत को लेकर यहाँ से निकल जा। जब अंजलिका वहाँ से जा रही होती है तभी रूहान उससे पूछता है सारा कुछ। फिर अंजलिका हमारे सामने आती है और हमें पता चलता है कि असली अंजलिका तो 18 साल पहले ही मारी जा चुकी है, क्योंकि उसकी बहन मंजुलिका जादू टोना करती थी और उसने अंजलिका को शादी के दिन उस दिन वश में कर लिया था। उसका रूप बनाकर उसके पति के साथ वहाँ पर सो जाती है और थोड़ी देर के बाद जो उसके ऊपर हमला करती है वो होती है अंजलिका, जिसे मंजलिका मार देती है काफी बेरहमी से। पर ये बात अंजलिका के पति को पता चल जाती है क्योंकि वो खिलौने को देख लेता है जिस पर जादू टोना किया होता है मंजलिका ने। पर मंजलिका उसके पति को भी नीचे घेर देती है और उसे अपंग कर देती है और वो कुछ बोल नहीं पाता है इस सच्चाई के बारे में। फिर रीत कहती है जब तुम बाहर आ गई थी तो तुमने इसे सबक क्यों नहीं सिखाया। फिर अंजलिका कहती है अगर मैं इसे मार भी देती तो मेरी सच्चाई कैसे बाहर आती, मेरी सच्चाई तो मेरे साथ ही चली गई थी। और फिर मंजलिका उस पर हंस रही होती है, इसी वजह से अंजलिका उसे मारती नहीं है। पर अब सब लोगों को सच्चाई पता चल जाती है तो अंजलिका मंजलिका को बहुत मारती है वहाँ पर, और फिर वो रूहान को थैंक्स बोलकर चली जाती है। फिर वो मंजलिका को उसी रूम में बंद कर देती है जिसमें वो 18 साल रही थी, और फिर वो भी उसी रूम में चली जाती है और वो मंजुलिका को बहुत मारती है। और इसी तरह इस मूवी का एंड भी हो जाता है। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो।